नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। बात करते हैं आज के वीडियो को लेकर के, जो कि आपका संबंधित है पाठ योजना यानी लेसन प्लान से। तो बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के तहत लेसन प्लान नंबर 1-12 के बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं। जो भी नए हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है उन लेसन प्लान को, बाकायदा प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग वीडियोज को प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं, वो चाहे लेसन प्लान की बात हो या किसी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक के बारे में जो मैंने बताया है उसको लेकर के। प्लेलिस्ट में जाइए, ऐसे काफी वीडियोस हैं, 550 से ज्यादा, तो आपको ढूंढने में काफी कठिनाई होगी। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपको वीडियोस आसानी से मिल जाएंगे। तो इसकी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर लेसन प्लान नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाएंगे, आपको 12 लेसन प्लान मिल जाएंगे। आज मैं 13वें लेसन प्लान के बारे में बात करूंगा। विषय है इसमें हिंदी, अवधि आपकी जो है वो 30 मिनट्स की है, चक्र पीरियड चल रहा है आपका चौथा, जो क्लास है वो फर्स्ट है, जो डेट है वो 8/9/2017 है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उनको कक्षा एक और कक्षा दो का लेसन प्लान बनाना होता है, दो विषयों का, एक विषय का 10 और दूसरे विषय का 10। ठीक है, तो ये 20 लेसन प्लान आपको बनाने होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं जो है इसमें। प्रकरण इसमें है दुलारी की गागर। मैं बता दूं, ये दुलारी की गागर जो पाठ योजना है इसके बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं अपने चैनल पे, लेकिन वहां पे उसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग था। उसमें बोधात्मक सवाल की बात की जाए, अभ्यासकार की बात की जाए, या होमवर्क जो मैंने दिया था, जो गृह कार्य अभी इसमें लास्ट में आपको मिलेगा, वो सारे पॉइंट्स अलग हैं, तो आप चाहे वो भी पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक आपको मैं दे दूंगा, आप वो चाहे उससे कर सकते हैं, या चाहे तो आप इस पाठ योजना को बेस बना करके अपनी पाठ योजना तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रकरण दुलारी की गागर है, सामान्य उद्देश्य बिल्कुल वही, ध्यान रहे सामान्य उद्देश्य, विषय हिंदी है, तो विषय हिंदी के सारे प्रकरणों के लिए जो सामान्य उद्देश्य होगा वो आपका एक जैसा होगा, उनमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। और आप सभी को मैं बता दूं, जो आपका पाठ योजना है, आप बिल्कुल, मैंने बोला था ऐसे रजिस्टर पे आपको बनाना है, 20 लेसन प्लान आपके जो है एक रजिस्टर पे बनेंगे। और स्टार्टिंग में क्या करना है आपको, मतलब कवर पेज की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे ऊपर उसमें आप विद्यालय का नाम लिखेंगे जहां पर आप टीचिंग कर रहे हैं, साथ में अपना नाम लिखेंगे, अपना वर्ष लिखेंगे। ठीक है, किस ड्यूरेशन में आप जो है, मिंटू से आप सेकंड सेमेस्टर में हैं तो आप लिखेंगे कि फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर ऐसे करके, और जो वर्ष चल रहा है आपका 18-19 या 17 से लेकर के 19, आप ड्यूरेशन लिखेंगे बीटीसी का। ये चीजें आपकी फ्रंट पेज पे होंगी, कवर पेज की मैं बात कर रहा हूँ सबसे आगे। और उसके बाद स्टार्टिंग में जो है आपका फिर से जो शुरू होगा वो आपका किससे होगा, जो अनुक्रमणिका होती है, जो आप इंडेक्स बनाते हैं, और फिर से आप लेसन प्लान शुरू हो जाएंगे और कुछ भी नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, तो इसको पढ़ते नहीं है, वही पुरानी चीज है आपकी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं विशिष्ट उद्देश्य पे। छात्रों को दुलारी की गागर कहानी बताते हैं, उसके महत्व के विषय में बताना। शिक्षण अधिगम सामग्री में है पानी भरने से संबंधित बर्तनों का चित्र। आप दुलारी की गागर बोलने जा रहे हैं, तो गागर में कहीं ना कहीं से एक तरीके से पानी से संबद्ध है, संबंधित वो है कि आप गागर में पानी भरेंगे, तो बर्तन क्या है, आप बर्तनों का यूज करेंगे जो है बताने के लिए, समझाने के लिए। पूर्व ज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं। छात्र पानी भरने के बर्तनों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना सवाल में क्या है देख लेते हैं। जो टीचर स्टूडेंट जो स्टेटमेंट है उसमें है कि छात्रों पानी किस काम आता है, तो उत्तर देते हैं कि पानी पीने के काम आता है। आगे बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट है इसमें पीने का पानी किस किस बर्तन में रखा जाता है, तो आंसर है कि मटका में रखा जाता है, बाल्टी है, गागर है, आप किसी में भी रख सकते हैं, ये छात्र उत्तर देंगे। उसके बाद दुलारी पानी भरने कहां गई, ये समस्यात्मक सवाल होगा बच्चों ने, क्योंकि उन्होंने दुलारी की गागर नामक पाठ अभी नहीं पढ़ा है। कक्षा एक में जो पाठ है आपके, जो कलरों पुस्तक है उसमें ये चीज नहीं दी हुई है, तो उनको नहीं पता है, तो ये उनके लिए समस्यात्मक सवाल होगा। चलिए उद्देश्य कथन में है कि बच्चों आज हम लोग दुलारी की गागर पाठ का अध्ययन करेंगे। रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं, इसमें आपका लिखा है छात्र अध्यापक का कथन और छात्र कथन। इसमें फिर से अध्यापक छात्र की दुलारी गागर का उचित हावभाव लय के साथ शुद्ध उच्चारण करते हुए आदर्श वाचन करेंगी, छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनते जाएंगे। आगे इसमें छात्र अध्यापिका किसी एक छात्र से पठे हुए गद्यांश को पढ़ने के लिए कहेंगे और अन्य छात्र उसका अनुकरण करेंगे। उसके बाद आपका है कि पाठ के कठिन शब्दों का निवारण करेंगी और उच्चारण करेंगी, कह सकते हैं आप, और छात्रों से उच्चारण करने के लिए कहेंगी। जो छात्र हैं वो कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। ये तो बात हो गई रिप्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण, आप किस तरीके से पेश करेंगे उन बच्चों के सामने। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है काठिन्य निवारण शब्द। इसमें शब्द में अटक गई यानी फंस गई, आगे लिखा है हड़बड़ा गई यानी कि घबरा गई, इतने में यानी कि बीच में, इस बीच, सॉरी इतने में मतलब इस बीच, ये आपके काठिन्य शब्द हो गए। बोधात्मक सवाल की बात कर लेते हैं, इसमें लिखा है पानी भरने कौन कौन गए थे, तो पानी भरने दुलारी और भोलू गए थे। दूसरा सवाल है गागर किसके मुंह में अटक गई, तो गागर मगरमच्छ के मुंह में अटक गई। श्यामपट्ट कार्य में देख लेते हैं, प्रकरण में है दुलारी की गागर। सवाल है दुलारी ने कैसे छींका, उत्तर है दुलारी ने छींका आखी। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे ही बताएंगे बच्चों को करके।
उसके बाद मगरमच्छ के कितने पैर होते हैं, मगरमच्छ के 4 पैर होते हैं। आगे देख लेते हैं इसमें निरीक्षण कार्य, वही निरीक्षण कार्य होता है जो इंस्पेक्शन बार बार आप देखते आए हैं। पुनरावृत्ति सवाल की बात कर लेते हैं, प्रश्न है सबसे पहले कौन छींका, उसके बाद दुलारी और भोलू क्या करने गए थे, ये आपका दूसरा सवाल है। गृह कार्य में देखिए दिया हुआ है कि सभी छात्र घर से मटके का चित्र लेकर के बना करके लाएंगे, ये आपने होमवर्क दे दिया। और ध्यान रहे जो पुराना लेसन प्लान है उसमें मैंने चित्र में बाकायदा चस्पा किया हुआ है गागर, तो आप उससे भी बना सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी भी मिल जाएगी और आप इससे भी बना सकते हैं। और लास्ट में आपके प्रधानाध्यापक जो भी होंगे, जहां आप टीचिंग कर रहे हैं, उनके जो है मोहर और उनका हस्ताक्षर यहां होगा। तो बस इतना ही था जिसके बारे में आप सभी से बात करनी थी। और एक न्यूज आज मैंने वीडियो डाला था, आपने देखा ही होगा, तो उसको भी आप जरूर देखें। जो आप एक प्रशिक्षु और एक प्रवेश वाली जो स्कीम थी वो आपकी चेंज हुई है, तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। जो है आप चेंज हुई है नहीं कह सकते, मिंटू से उसी के स्थान पर दूसरी स्कीम एक तरीके से आई है, तो वो स्कीम लागू हो सकती है हम सभी के साथ में, हम सभी के लिए जो है फिर से। अभी तो डायरेक्ट लखनऊ में ही है फिलहाल, जो कि शुरू है एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, तो उसके लिए भी आप सभी लोग तैयार रहिए। लिंक उसकी मैं दे दूंगा जो है डिस्क्रिप्शन, आप उसको भी देख सकते हैं। तो जल्द ही मिलेंगे अपने नए वीडियो में, वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में। लेसन प्लान्स इस समय सबका काम यही चल रहा होगा, तो सभी का जो है काम होता रहे, काम सभी का चलता रहे। जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।